और अब आपके सामने आ रही है वो जो इतनी तारीफों के बाद भी अपनी सादगी को बरकरार रखे हैं, अलीशा जी और आशताई की दीवानी द डेडली सिंगर स्मिता अधिकारी। The judges. आज मुझे पहली दफा लगा स्मिता कि एक दो जगह तुम्हारे नोट्स फ्लैट हो गए। बाकी आवाज़ तो आपकी मुझे पसंद है, मैं आज भी कहूँगा आवाज़ तो आपकी नहीं बदल गई, लेकिन एक आध जगह मुझे लगा ये बहुत डिफिकल्ट गाना भी है, मुझे मालूम नहीं आपने ये गाना क्यों चूज़ किया। अगर इंडियन आइडल बनना है तो ये ऐसे ही डिफिकल्ट गाने को चूज़ करना पड़ेगा ताकि लगेगा कि ये सिंगर में क्या बात है। जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बहुत कहीं कहीं एक दो लाइन में इतना दिल लगाया आपने कि जिसका जवाब नहीं, लेकिन टोटलिटी में आप सुर से फ्लैट थी। आई फेल्ट कि दिल को छूने वाली बात नहीं थी, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली एवरीथिंग, लेकिन वो बात नहीं है और थोड़ा लैक लस्टर परफॉर्मेंस लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि चॉइस ऑफ सॉन्ग जो है उसका बहुत हाथ है इसमें, तो वो भी इनके खिलाफ जाता है इस चॉइस। स्मिता, आपका क्या रवैया है इस पर? What do you think went wrong? मैं कोशिश करूंगी इसे अच्छी तरह सुधारने की। अगर पब्लिक या दर्शक मुझे और एक मौका दे तो मैं और जज मैं कोई शिकायत की मौका नहीं दूंगी पब्लिक। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते स्मिता, हाँ, कि कल जावेद साहब ने खड़े होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया एंड यू नीड टू लिव अप टू इट। तो जाहिर है इससे आपको बहुत प्रेशर पड़ रहा होगा, आप क्या करने वाली हैं? मैं एक्चुअली मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े लिरिसिस्ट मुझे उठकर ये ऑडिशन दिए, और मैं कोशिश करूंगी सर। मैं स्मिता, इस परफॉर्मेंस के बाद मैं यकीनन कह सकती हूँ दैट यू विल बी बैक विद अ बैंग। मैं कोशिश करूंगी सर। कम ऑन स्मिता, आपको अपने लिए भी कोशिश करनी है और अपने पापा के लिए भी कोशिश करनी है जिन्होंने आपका उस दिन का परफॉर्मेंस भी देखा था, आज का भी देखा था, और हमारे लिए नहीं, इंडियन आइडल के लिए नहीं तो उनके लिए, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू बी बैक एंड गिव योर बेस्ट। यस और नो? यस, या मैं करके ही दिखाऊंगी। करेगा अपना चर्चा ये जहां, हा, 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 दिन, 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 दिन।
कभी नहीं किया लेकिन आज करूंगी. She was fabulous. Absolutely great. लेकिन कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले हमारे ऑनरेबल जजेस से पूछते हैं हमको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी. आई थिंक एवरीवन इज विशिंग इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स कि इस साल इंडियन आइडल लड़की हो एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट देयर ऑलमोस्ट. Fabulous singing. She's getting better and better every time. And what confidence. बहुत ही confidence है गाया आज. बहुत जोरदार versatility है आप में. और उस दिन लता जी के गाने आपने perform किए, आज आशा जी के. और आपको गाला राउंड में डेफिनेट आना है. Thank you, sir. Thank you. पिछले कई एपिसोड से ऐसा कमी हो रहा है कि तीनों जज की राय एक हो. ये वो पल है कि जिसमें तीनों की राय एक है. थैंक यू सर. सर आप भी के डिसीजन का वेट था क्योंकि हर बार थ्रू हो जाते थे लेकिन हर बार सांस की प्रॉब्लम जो आप माइन्यूटली बिल्कुल पकड़ लेते थे और इस बार बहुत कोशिश थी कि गाना फास्ट है तो परफॉर्मेंस भी चाहिए और गाना भी गाना है तो सर बहुत ट्राई किया था कि आपकी ओर से भी अच्छा कुछ मिले. सर वो बिजोरिया वाली वन 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 टू थ्री स्टार्ट. तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया तिरछी निगाह मेरे दिल में गिराए रे बिजोरिया बिजोरिया मेरे दिल में गिराए रे बिजोरिया बिजोरिया. परफेक्ट. आई हैव नो वर्ड्स टू से व्हाट यू जस्ट डिड एंड आई एम श्योर द जजेस आर गोइंग टू हैव सम वर्ड्स. वेरी गुड परफॉर्मेंस. हालांकि इतने हाई एनर्जी गाने में ज़रा मुश्किल होता है लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि थोड़ी वर्ड्स की क्लैरिटी और हो, ज़्यादा उनके जो कॉन्टोर्स हैं साफ सुनाई दें तो अच्छा लगेगा. ओके सर. अलीशा ब्रिलियंट एज यूजुअल. मैं इतना कहूँगी मैं मानती हूँ कि सोनू जी आपके बहुत ही यानी कि फेवरेट सिंगर हैं और आपके आइडल हैं बट आई वॉन्ट टू सी The first Iman, not a second Sonu Nigam in your performance or your singing, okay? Obviously. So better strive for that. But definitely. But you're brilliant. Thank you, ma'am. Javed saab ne bahut achhi baat kahi aapse aur Alisha ji ne bhi bahut achhi baat kahi. Main aapko bolunga darun. Khoob baalo. Thank you. Khoob baalo. Indian Idol aaj 15 August 12 se 12 sirf Sony par. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.